नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 अक्टूबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के शहरों की अब खास व्यवस्था के तहत सफाई करेंगी महिलाएं। बिहार में अब हैंड हेल्ड डिवाइस से कटेगा चालान। बिहार में पुलिस की कमी अगले 2 से 3 साल में खत्म होने की उम्मीद। दिव्यांगों और वृद्धजनों को घर पर ही दिया जाएगा टीका। मनोज बाजपेयी समेत कई कलाकारों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। थानों के अधिकतर काम अब होंगे ऑनलाइन। बिहार में कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए बिहार सरकार ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत गृह विभाग ने अब थानों के ज्यादातर कामों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य तय किया है। इसको लेकर गृह विभाग ने साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा बैठकों को लेकर अफसरों को संबंधित पोर्टल पर अपडेट डेटा अपलोड करने को कह दिया है, जिससे कि ऑनलाइन समीक्षा में आसानी हो सके। विभाग की तरफ से कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चार दीवारी योजना के साथ भूमि विवाद से जुड़े मामलों का समाधान ऑनलाइन ही किया जाना है। इसी को लेकर के जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल बनाने का काम किया जाएगा। इसको लेकर यूजर आईडी और पासवर्ड सभी प्रशाखाओं को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके साथ ही अब एक ही क्लिक में अफसरों को लंबित मामलों की जानकारी भी मिलने लगेगी। बिहार के शहरों की अब खास व्यवस्था के तहत सफाई करेंगी महिलाएं। बिहार के शहरों की साफ सफाई को लेकर बिहार सरकार अब खास व्यवस्था करने जा रही है, जिसके तहत बिहार के शहरी निकायों में महिला सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी है। साथ ही महिलाओं को अब सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाना है। पटना नगर निगम में इसको लेकर काम की शुरुआत कर दी गई है। इसकी सफलता को देखते हुए दूसरे शहरी निकायों में जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। ज्ञात हो जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण का काम होने वाला है, जिसमें मशीनों से किए गए सफाई को खास महत्व दिया जाना है। इतना ही नहीं, बिहार के सभी शहरी इलाकों में मशीनों के इस्तेमाल अधिक अंक हासिल करने के साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराना भी है। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना के लिए जिलों को मिली प्रशासनिक स्वीकृति। बिहार के लगभग सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसके तहत नालंदा, भोजपुर, कैमूर, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत 17 जिलों में जमीन चिन्हित कर लिया गया है। इसको लेकर बीते दिन परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग की वरीय पदाधिकारियों के साथ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक योजना के प्रगति की समीक्षा की। साथ ही समीक्षा के दौरान उन्होंने योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया और जिलावार योजना की मॉनिटरिंग का निर्देश भी जारी किया और कहा कि ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक योजना की प्रगति के प्रतिदिन जिलों से रिपोर्ट प्राप्त करें। ज्ञात हो पटना और औरंगाबाद में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चालान जांच की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तनाव और क्रोध से मुक्ति के लिए बिहार के इन शहरों का जरूर करें भ्रमण। अगर आप भी अक्सर तनाव में रहते हैं, जिसके कारण आपको क्रोध बहुत आता है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के विभिन्न जिलों में आपको विपश्यना योग की सुविधा मिलने वाली है। सबसे खास बात यह है कि आपको अपने मन को शांत करने के लिए कोई पैसे नहीं चुकाने होंगे, बल्कि आप मुफ्त में ही इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। बिहार में राजधानी पटना के साथ ही बोधगया, राजगीर, मुजफ्फरपुर, चकिया और वैशाली में इसके केंद्र है। केंद्रों पर उपलब्ध क्षमता के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। संचालकों के अनुसार विपश्यना केंद्र में ध्यान लगाने के लिए लोगों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। बिहार के कुछ जिलों में छाएंगे बादल। बिहार में मौसम की अटखेलियां बढ़ती जा रही है। मॉनसून की विदाई के बाद भी बारिश और उसके बाद ठंड का आगमन और फिर से बादल का छाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बेमौसम बरसात के कारण किसानों की फसल जहां खराब हुई है, वहीं मौसम के बदलते हालात के कारण लोगों का बीमार पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बिहार झारखंड के ऊपरी हिस्सों में सक्रिय ट्रफ लाइन कमजोर हो गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रभाव बांग्लादेश और इसके आसपास क्षेत्रों में है। इसके कारण प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की उम्मीद भी जताई गई है। पांचवें चरण के प्रत्याशियों की किस्मत का आज होगा फैसला। बिहार पंचायत चुनाव के 4 चरणों के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद बीते दिन 5वें चरण का मतदान करवाया गया था, जिसमें वोटरों का खासा उत्साह देखने को मिला, जिसके तहत ही 5वें चरण में कुल मिलाकर 61% वोट डालने की खबर सामने आई है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने पत्रकारों को बताया है कि 5वें चरण में 26,091 पदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, जिसके बाद आज चुनाव में शामिल हुए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, जिसके तहत ही आज और कल दोनों दिन 5वें चरण के चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार में अब हैंडहेल्ड डिवाइस से कटेगा चालान।
बिहार की सड़कों पर फराटेदार गाड़ी चलाने वाले युवाओं और युवतियों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी सड़क पर चलने के दौरान नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए जुर्माना वसूलेगा। साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि पिछली बार वाहन मालिक ने किन नियमों का उल्लंघन किया था। यानी कि अब साफ है कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर परिवहन विभाग पटना के अलावा अन्य शहरों में भी ई चालान के जरिए फाइन वसूलेगा। इसको लेकर लगभग 1500 से अधिक जवानों को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जाएगा, जिसके जरिए अब फाइन वसूलने का काम किया जाएगा। वहीं बिहार के 12 ट्रैफिक थानों के तहत काम करने वाले कर्मियों को 350 डिवाइस पहले ही दिए जा चुके हैं। बिहार की बेटी ने जीता गोल्ड। बिहार के इतिहास को खंगाले तो आपको प्रतिभाओं की लंबी सूची मिल जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये सूची समय के साथ ही और ज्यादा लंबी होती जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार की एक और बेटी ने अपने नाम को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाने का काम किया है, जिसके तहत बिहार के सारण जिले की बेटी ज्योति कुमारी ने मिस्र में सिल्वर मेडल जीतकर बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। ज्ञात हो ये मेडल ज्योति ने मुक्केबाजी में जीती है। अपनी मेहनत के बदौलत ही ज्योति ने मिस्र के इजिप्ट में चल रहे किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये प्रतियोगिता बीते 18 अक्टूबर से मिस्र के इजिप्ट में चल रही है। इसको लेकर ज्योति के जीत की जानकारी परिजनों को हाल ही में मिली। इसके बाद गाँव में खुशी की लहर दौड़ी। अफसरों के मामले में बिहार ने इन राज्यों को छोड़ा पीछे। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही रोजगार के अफसरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भी बेरोजगारी दर में कमी आई है। इस साल सितंबर में राज्य में बेरोजगारी दर 10% थी। यह इस साल के मई महीने की तुलना में 4% कम बताई जा रही है। यानी कि इस साल में काम करने वाले 10% श्रम बल को रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक कही जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बेरोजगारी दर 16.8% बताई गई है। बिहार के गया जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये शहर बिहार के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। गया तीन तरफ से छोटी छोटी पहाड़ी मंगला गौरी श्रृंगा स्थान रामशिला और ब्रह्मयोनी से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम की ओर फल्गु नदी बहती है। यहाँ के महाबोधि मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। गया में विष्णुपद मंदिर भी प्रमुख है। दंत कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ का पितृपक्ष का मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। बिहार में पुलिस की कमी अगले 2 से 3 साल में खत्म होने की उम्मीद। बिहार में पुलिस कर्मियों की भारी कमी बताई जाती है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पुलिस कर्मियों की कमी देश भर में सबसे खराब है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में 1 लाख की जनसंख्या पर महज 76.2 पुलिसकर्मी मौजूद है। केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 155.78 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी नेशनल एवरेज तक पहुंचने के लिए बिहार को 2 लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत है। इसको लेकर बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के मुताबिक बिहार पुलिस की भर्ती का जो लक्ष्य है वो 1.42 लाख का है, जिसे आने वाले 2 से 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार पुलिसकर्मियों की ताकत को नेशनल एवरेज तक पहुंचाने में जुटी हुई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दामोदर राव की। दामोदर राव का जन्म बिहार के नरकटियागंज में 21 अगस्त 1977 को हुआ था। दामोदर राव एक भारतीय संगीतकार, गायक, रिकॉर्ड निर्माता और लाइव कलाकार हैं। उनकी संगीत शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ अंशों के साथ ध्वनिक लोक के बारे में है। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत फिल्म शैतान तांत्रिक से की थी। वहीं भोजपुरी सिनेमा में उन्होंने अपना डेब्यू मजनू मोटरवाला से किया था। दामोदर राव ने क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा बेतिया घराना के केशव कुमार मिश्रा से ली थी। वहीं पटना सिटी घराना के श्यामदास मिश्रा से भी उन्होंने संगीत के गुर सीखे थे। इसके साथ ही दामोदर राव ने साई आराधना और दामोदर राव के भोजपुरी गीत नामक 2 किताबें भी लिखी थी। वृद्धजनों को घर पर ही दिया जाएगा। संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार जोर शोर से टीकाकरण के काम को पूरा करने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार अब टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया में दिव्यांगों और वृद्धजनों को उनके घर पर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना टीका देने का फैसला सुना चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद कोरोना टीका से वंचित सभी व्यक्तियों को कोरोना टीका देने का पहला डोज जो कि ले चुके हैं उन व्यक्तियों को कोरोना टीके का दूसरा डोज देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार दिसंबर तक राज्य में टीका लेने के योग्य सभी लोगों को कोरोना टीका देने की तैयारी है। इसको लेकर वैसे लोगों की पहचान कर ली गई है जो अब तक टीके से वंचित है और जो असमर्थ है। अब ऐसे लोगों को घर जाकर टीका देने का काम किया जाएगा।
वाजपेयी समेत कई कलाकारों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन बीते दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में करवाया गया था। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। साल 2019 में बनी फिल्म के लिए पुरस्कारों का वितरण किया गया था, जिसके तहत बिहार से निकले अभिनेता मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म भोसले में दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। उनके साथ संयुक्त रूप से साउथ एक्टर धनुष को भी उनकी फिल्म असुरन में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीएसईबी ने आईटीआई उच्च माध्यमिक भाषा परीक्षा 2021 का डमी एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2021 के डमी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब बिहार बोर्ड आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा 2021 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर त्रुटि सुधार के लिए 25 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी डमी एडमिट कार्ड में विद्यार्थियों के नाम या उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि हो या कोटि, लिंक, जन्म तारीख, फोटो या हस्ताक्षर में त्रुटि हो तो इसका सुधार कर विद्यार्थी या उनके अभिभावक संबंधित संस्थान के प्रधान को उपलब्ध करवा सकते हैं। बिहार के बर्खास्त एडीएम की 6.85 करोड़ की संपत्ति जब्त। सृजन घोटाला समेत अन्य मामले में आरोपी एडीएम जयश्री ठाकुर की संपत्ति को बीते दिन ईडी ने जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर एडीएम रहे जयश्री ठाकुर की कुल मिलाकर 6.85 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का काम किया गया है। इनमें 42 बैंक खाते, 15 जमीन का प्लॉट, 1 फ्लैट और 15 बीमा पॉलिसी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन ईडी ने पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत एडीए रही जयश्री मिश्रा पर कार्रवाई की और ज्ञात हो पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर ने जमीन अधिग्रहण की आड़ में गलत तरीके से करोड़ों रुपए कमाए थे। इतना ही नहीं, उनके ऊपर बांका में जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर रहकर आरोप लगाने की बात भी कही गई है। पटना के लोगों को जल्द ही मिलेगी एक और 4 लेन की सौगात। बिहार के लोगों को आज के समय में सड़क की समस्या शायद ही किसी इलाके में हो, क्योंकि सड़कों के निर्माण को लेकर बिहार में सराहनीय काम किया गया है। इसी बीच पटना के लोगों को जल्द ही एक बार फिर से एक और 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है, जिससे शहर में लाखों की आबादी को फायदा मिलने वाला है। इस बाबत पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने बताया कि रेलवे मंत्रालय भारत सरकार की रजामंदी मिल चुकी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बन चुका है, बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन प्रक्रिया में है। पटना सिटी की घनी आबादी के बीच बनने वाले पटना साहिब से पटना घाट के बीच की 4 लेन सड़क को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही दीघा से दीदारगंज के बीच गंगा में बन रहे एक्सप्रेसवे से राजधानीवासी बेहद कम समय में पटना साहिब पहुंच सकेंगे। छठ की तैयारियों को लेकर मंत्री नितिन नवीन ने लिया जायजा। छठ की तैयारियों को लेकर बीते दिन मंत्री नितिन नवीन ने जायजा लिया, क्योंकि अब छठ महापर्व को लेकर बहुत ही कम दिन बचे रह गए हैं। ऐसे में त्योहार को लेकर अभी से ही दुरुस्त तैयारी की जा रही है। यही कारण है कि प्रशासनिक तैयारियों में कोई कमी ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार काम कर रही है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने बीते दिन नितिन नवीन भी पहुंचे। इस दौरान नितिन नवीन के साथ पटना नगर निगम के आयुक्त और अधिकारियों ने महापर्व को लेकर सुरक्षा और सफाई की समीक्षा की। नवीन ने गांधी घाट से शुरू कर आधा दर्जन घाटों की सुरक्षा, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, महिलाओं के लिए चेंजिंग, इंक्लोजर और पहुंच पथ आदि की व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को सारी सुविधाओं का फुल प्रूफ बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस दौरान सभी घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श भी किया। राज्यपाल ने खोल दी बिहार की सड़क की पोल तो तेजस्वी ने किया सरकार का घेराव। बीते दिन राज्यपाल फागू चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राज्यपाल फागू चौहान ने पटना गया रोड का जिक्र करते हुए उसे बेहद ही खराब बताया है। इस वीडियो के तर्ज पर ही तेजस्वी ने अब सरकार का घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बिहार के माननीय राज्यपाल को सुनिए, वो 16 वर्षों के सीएम नीतीश और एनडीए सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि पटना से गया का रास्ता बड़ा खराब है। पहले पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सड़क मार्ग की शिकायत कर चुके हैं। हाँ, बिहार में डबल इंजन सरकार और इनके 40 में से 39 एमपी है। चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश ने विरोधियों पर साधा निशाना। बीते दिन आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2 सीटों पर जदयू उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के इरादे से सीएम नीतीश अब जनसभा में उतर चुके हैं, जहां उन्होंने सभी लोगों से जदयू के उम्मीदवार को वोट देने की अपील तो की ही, साथ ही इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा, जिसके तहत दरभंगा के कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के धबौलिया में सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां
उनसे पूछिए कि आपदा के वक्त वो कहां गायब रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए विरोधियों से सवाल पूछने की बात लोगों से कही। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई और शिक्षा को लेकर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो जरा उनसे पूछिए कि हमारे शासन से पहले उनको जब जनता ने मौका दिया था तब शिक्षा की क्या स्थिति थी, ये भी विपक्षी दल जरूर बता दे। बुधवार को लालू यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनावी जनसभाएं। बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए हैं, जिसके बाद उनके जनसभा में शामिल होने का इंतजार उनके समर्थक लगातार कर रहे हैं। इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत जानकारों की माने तो लालू प्रसाद यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट के लिए प्रचार प्रसार बुधवार को करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर लालू के बिहार आने की चर्चा लंबे समय से हो रही थी। बीच में राबड़ी देवी ने लालू के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इन संभावनाओं से इनकार कर दिया था, लेकिन रविवार को आखिरकार लालू यादव बिहार आए गए हैं और अब जनसभा का हिस्सा भी जल्द ही बनने वाले हैं। आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अगर आप भी बैंक में लॉकर रखते हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसको लेकर केंद्रीय बैंक ने लॉकर में सेफ डिपॉजिट और बैंकों की तरफ से दी जाने वाली सिक्योर कस्टडी फैसिलिटी के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब बैंक ने पहले ही लॉकर का किराया ले लिया है तो ग्राहक को अग्रिम राशि में से विशेष राशि वापस कर दी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बैंक ग्राहकों को जल्द से जल्द सूचित करने के लिए जिम्मेदार माना गया है। लॉकर में रखे सामान को नुकसान होता है तो बैंक बोर्ड अनुमोदित नीति के साथ तैयार रहे, जिसमें उसकी जवाबदेही का ब्यौरा हो। बैंकों को लॉकर केयर के तहत लॉकर सिस्टम का उचित संचालन और उसमें कोई अस्वीकृति नहीं पहुंचने देना सुनिश्चित करना होगा। भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना 1934 में आज के दिन की गई थी। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर 1947 को आज के दिन सहमत हुए थे। संत मदर टेरेसा ने कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना 1950 में आज के दिन की थी। भारत में मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में आज के दिन हुआ था। भारत में नवगीत विधा की कवियों में से एक ठाकुर प्रसाद सिंह का जन्म 1924 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का निधन 1981 में आज के दिन हुआ था। प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक मन्मथनाथ गुप्त का निधन 2000 में आज के दिन हुआ था। से हारने की महेंद्र सिंह धोनी की सच हुई भविष्यवाणी। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट का महारथी कहा जाता है। वहीं इसी महारथी का एक वीडियो भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो साल 2016 का है, जब माही भारतीय टीम के कप्तान थे तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने कहा था कि हमको इस बात पर गर्व है कि हम उनसे वर्ल्ड कप में 11-0 से जीते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी होगी कि हम पाकिस्तान से कभी ना कभी तो जरूर हारेंगे, चाहे आज हारे या 10 साल बाद या 20 साल के बाद हारे, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा जीतते रहे। माही की भविष्यवाणी रविवार को सच हो गई और पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफल रही। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,060 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 111.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 102.93 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैसेज यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मनीष बोरा, विजय कुमार, राजेश कुमार, जीके प्लस, अखिलेश यादव, शंकर मुखिया, श्याम कुमार, माही आनंद, संतोष कुमार, अमरेंद्र कुशवाहा, प्रभात कुमार, दिव्यांशु कुमारी, दुर्गा प्रसाद, नुन्नू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए, कांग्रेस और राजद में से किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।